हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय केक एडिक्शन। सो आज हम वोल्केनो सोडा बनाएंगे। वोल्केनो सोडा बनाने के लिए यहाँ पे हमने शॉट ग्लासेस लिए हैं। ये सब्जा के दाने हैं जिनको मैंने सोख करके रखा है। पुदीना लिया है 2 टीस्पून के अराउंड, धनिया लिया है 1 टीस्पून के अराउंड, मेरे को पुदीने का टेस्ट ज़्यादा पसंद है। हाफ मिर्ची लिया है, शुगर लिया है, और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसके लिए ब्लू लगून के लिए सिट्रस ब्लू सिरप या ब्लू क्रॉस को सिरप लिया है। अब हम पहले ग्रीन वाला बनाने के लिए उसकी एक चटनी बना देंगे। उस चटनी को बनाने के लिए मिक्सी जार में हम शुगर डालेंगे। सबसे पहले शुगर के साथ धनिया और पुदीना डाल देंगे और उसको हल्के हल्के से ग्राइंड करेंगे। बट उससे पहले हम ब्लू वाला रेडी कर लेंगे। सो यहाँ पे देखो, मैंने धनिया, पुदीना, मिर्ची, शुगर मिक्सी में डाल दिया है और इसको मैं साइड में रख दूंगा। नाउ अब मेरे पास दूसरा एक शॉट ग्लास है, उसमें मैं सबसे पहले नीचे पुदीना पत्ता डालूंगा। पुदीना पत्ता मैं इसमें कैसे डाल रहा हूँ, टैप करके उसको छोटे छोटे पीसेस करके डाल रहा हूँ हाथ से ही। पुदीना को आप जब नाइफ से कट करते हो तो वो काला पड़ जाता है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको उसको हाथ से ही स्ट्रेच कर, हाथ से ही टियर करके डालना है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ब्लू सिट्रस ब्लू सिरप डाला है। ये ग्रीन कलर का इसके वजह से दिख रहा है क्योंकि वो बोल येलो कलर का है। तो यहाँ पे मैंने 3 या 2 टीस्पून के अराउंड सब्जा डालना है। आप सब्जा एकदम ऑप्शनल है, आपको चाहिए डालो चाहे नहीं डालो। सो हमारा ब्लू वाला शॉट रेडी है। अब मैं यहाँ पे मिक्सर में इन सबको ग्राइंड कर दूंगा। मिक्सी मैंने बहुत छोटा लिया है बिकॉज छोटी सी क्वांटिटी है बहुत, और इसको वैसे भी पीसने में बहुत तकलीफ आती है जब बहुत कम रहता है क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मैं एकदम नाम के लिए 1.5 टेबल स्पून के अराउंड पानी डाल रहा हूँ और उसको जैसे उसको पीसने में आसानी हो जाए और वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया, ये रेडी हो गया है। अब हम इसको दोनों को सर्व करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले ग्लासेस रेडी करेंगे, और ग्लासेस रेडी करेंगे ऐसे मैंने नीचे प्लेट्स रखे हैं यहाँ पे। आप एक चीज़ ध्यान में रखो, अगर आपको ये सोडाज बनाने हैं तो आपको ये इंस्टेंटली सर्व करने हैं, क्योंकि फिर अगर इसका गैस निकल जाता है, हवा निकल जाता है, तो वो मतलब का नहीं रहता है। सो यहाँ ये तो मुझे फोटो क्लिक करने थे, इसके लिए यहाँ पे ऐसे थंबनेल्स में भी ऐसे आ गए हैं, बट दे डू टेस्ट अमेजिंग जब आप वोल्केनो के साथ करती हो। तो यहाँ पे मैंने 3 टीस्पून सब्जा दोनों ग्लासेस में डाला है। अब मैं इसमें आइस डालूंगा। आइस बहुत कम क्वांटिटी में डालो बिकॉज हम सबको पता है बाहर क्या सिचुएशन है। सो ट्राई टू यूज़ मिनिमम कम से कम अमाउंट का आइस। यहाँ पे मेरे दोनों शॉट्स रेडी हैं, जस्ट हमको अभी इनको मॉकटेल बनाने की देरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अभी मेन थिंग। सो यहाँ पे सब कुछ रेडी है। सेकेंडली आपको ये चीज़ जब बनानी है तो आपको ये सर्विंग के टाइम पे ही बना लेनी है। सो ये यहाँ पे मैंने ग्लासेस में डाल दिया आइस, बिकॉज उस टाइम पे फिर वोल्केनो, और आप मेरे साथ क्या हुआ है, ब्लू लगून का मेरा प्रॉपर वोल्केनो नहीं आ पाया बिकॉज मेरे फर्स्टली मेरे कोल्ड ड्रिंक का जो था वो गैस आउट हो चुका था, और मैंने इसके जो झाग है उसको सेटल होने के लिए टाइम दिया था। मैंने ग्लास को भरा है 75% तक, मैंने इसको फुल नहीं भरा है, और मैंने देखो ये सोडा डाल दिया, शॉट डाल दिया, और देखो ये वोल्केनो हो गया। सेकेंडली हम नेक्स्ट वाले को भी, हम ब्लू लगून वाले को भी हम ऐसे ही करेंगे। वहाँ पे मैंने उसमें स्प्राइट डाल दिया अच्छे से। अभी यहाँ पे आपको वेट नहीं करना, वो जाग सेटल हो उसके अंदर आपको इंस्टेंटली वो डाल देना है, तो आपका वहाँ पे भी हो जाएगा। जस्ट एक बार अच्छे से मिक्स करो और यू आर रेडी टू गो विथ। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो। बाय बाय।